Dear hey, students, in this module we are going to talk about the economy and the state. Particularly, we are going to talk about the capitalistic structure. Capitalism is an economic system based on private ownership of the means of production and the production of goods and services for profit. Jessica you know, capitalistic system. ऑफ़ इकॉनमी uh, में जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है और इस प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका इस्तेमाल होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं वो कॉमोडिटीज़ जो हैं वो आपके लिए यूज़ वैल्यू नहीं रखती बल्कि मार्किट वैल्यू रखती हैं और मार्किट वैल्यू के लिए ही जो है मार्किट के लिए ही कॉमोडिटीज़ प्रिपेयर की जाती हैं उनको इमीजिएट कजशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता तो ओवरऑल जो ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम होता है इसके आ, इसके क्या बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके क्या फंक्शंस होते हैं हम उनको देखेंगे सो कैपिटलिज्म इज़ करेक्टराइज बाय कंपटीशन इनोवेशन एंड प्रस्यू फॉर प्रॉफिट एंड इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद इंडिविजुअलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म तो की एस्पेक्ट्स इसके जो हैं या जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि कैपिटलिज्म uh, कंपटीशन बेस्ड सिस्टम होता है इसको लेसेफैक भी कहते हैं लेसेस फेयर इकनॉमिक सिस्टम यानी फ्री मार्केट इकॉनमी होती है कंपटीशन होता है ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए बेहतर से बेहतर कमोडिटीज़ जो हैं मार्केट में ला सकें और इसके साथ कंपटीशन का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आएंगी और उसी तरह से उनकी वैल्यू या उनकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी सो कंपटीशन इज़ वन ऑफ द की करेक्टरिस्टिक एंड देन वी हैव इनोवेशन के चूँकि मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम होता है इसमें वही लोग जो हैं वो कम्पीट कर पाते हैं जिनकी कमोडिटी या कमोडिटी uh, के अंदर जो है कोई नई वैल्यू होती है कोई जिद्दत होती है अगर आप कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उस कंपटीशन के अंदर बहुत पीछे रह जाते हैं सो so, इनोवेशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ this capitalistic system, and then the प्रस्यू for profit is often associated with individualism and consumerism. तो इंडिविजुअलिज्म और कंज्यूमरिज्म जो है वो इस कैपिटलिस्टिक सिस्टम का ख़ासा होता है आप एडवर्टीजमेंट्स या कमर्शल्स जो मीडिया के अंदर देखते हैं वो एक अहम रिफ्लेक्शन है इसी कंज्यूमरिज्म की क्योंकि उसमें हमें ये बताया जाता है या हमें मोटिवेट किया जाता है कि आप इस कमोडिटी या प्रोडक्ट को कंज्यूम करें और फोकस जो होता है इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग का होता है पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो द कंट्री हैज़ एक्सपीरियंसड रैपिड एक्नॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट ईयर एज वेल एज इन रिसेंट ईयर्स विद द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड अ फोकस ऑन अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों अट्रैक्ट की जाती है क्योंकि आपकी कंट्री का जीडीपी जो है वो इनफ नहीं होता है इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके आ, आने से इन्वेस्टमेंट जो है वो चूँकि ज़्यादा होती है और उस इन्वेस्टमेंट की बदौलत आपके यहाँ जो एक्नॉमिक सर्कल है या एक्नॉमिक एक्टिविटी है या एकनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा पॉसिबल होती है आपकी लेबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है सो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इकॉनमी इज़ कॉम्प्लेक्स विद द टेंशन अराइजिंग ओवर क्वेश्चन ऑफ़ रेगुलेशन टैक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वेल्थ तो एक तरफ़ जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये इसको जो है वो वेस्फैक की बुनियाद के ऊपर फ्री मार्केट इकॉनमी होना चाहिए ताकि जो कमोडिटीज़ हैं उनका जो कंपटीशन है वो मार्केट डिसाइड कर सके यानी जो आपकी डिमांड सप्लाई एंड डिमांड का मेकनिज़म है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट की रेगोलेशन के ऊपर कि गवर्नमेंट ये टेक् तय करे कि किस कमोडिटी या किस प्रोडक्ट के ऊपर हमने कितना टैक्स इम्पोज़ करना है और उसका रेगुलेटरी प्रोसेस क्या होगा और ख़ास तौर पे जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो वेल्थ uh, की डिस्ट्रीब्यूशन है वो माशरे के अंदर किस तरह होनी चाहिए तो कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकॉनमी के अंदर जो टैक्सेशन है उसको बहुत नेगेटिव कंसीडर किया जाता है और कंपिटिव या फ्री मार्केट इकॉनमी को जो है उसकी बेसिस समझा जाता है अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इज़ एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्नॉमिक सिस्टम्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी तो सोसाइटी का और कैपिटलिज्म का बहुत गहरा ताल्लुक है खूस आज की दुनिया के अंदर आज हम देखते हैं कि आलमोस्ट यूनानिमसली कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है वो शायद सारी दुनिया के अंदर मौजूद है और जितनी भी एक्नॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है दुनिया में वो इसी कैपटलिस्टिक सिस्टम के अंदर ही परफॉर्म हो रही है तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपके सोशल एस्पेक्ट्स को डिटरमिन कर रहे होते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इकॉनमी ही जो है वो असल में आपकी ज़िंदगी के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिटरमिन कर रही होती है तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम को इस हवाले से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है तो द स्टडी ऑफ कैपिटलिज्म रिक्वायर्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सिर्फ सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इसको पॉलिटिक्स हिस्ट्री और इसके साथ साथ मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए आ, इसके साथ साथ हम जब इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे एनालाइज करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है और उसकी प्रैक्टिस हैं बाकी एस्पेक्ट्स के अंदर बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको कैपिटलिस्टिक सिस्टम किस तरह से अफेक्ट कर रहा है सो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटलिस्टिक कैपटलिस्टिकॉनमी है ये किस तरह से लोगों के रवैयों पर असरअाज़ हो रही है और इसकी वजह से ख़ास तौर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है एक उसकी मिसाल मैं छोटी सी आपको दे देता हूँ कि कैसे जो हमारे प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कॉरपोरेशन बन चुकी हैं इंस्टेड ऑफ़ रियली वर्किंग फॉर द एकेडमिक एक्डेमिक बाकी बाकीपेक्ट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपके बाकी इंस्टीट्यूशनस को भी रिलेटिवली प्रॉफिट मेकिंग बना देता है एज़ कम्पेयर टू देअर ऑन जेन परपजिज ऑफ देयर डिफरेंट सोशल परपजिज